आगामी 4 मई को वाराणसी में होने वाले नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मतदाताओं को वोट करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मैदागन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सभी छात्राएं, भाइयों बहनों, कर लो नोट, जरूर से जाकर देना वोट, पहले मतदान फिर जलपान, जागो मतदाता जागो के नारों के साथ तख्ती बैनर लिए हुए थी। इस अवसर पर बोलते हुए समाज से जुड़े हुए सभी वक्ताओं ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर हर 5 साल के बाद नगर निकाय का चुनाव होता है और आप ही वह ताकत हैं जिसके वोट से कुशल नेतृत्व के हाथ में आपके शहर के विकास की चाबी सौंपी जाती है। ऐसे में आप किसी भी लालच या प्रलोभन में न जाते हुए ऐसे महापौर को चुनिए जो आपके शहर का विकास करने में अहम भूमिका निभाए तथा सभी पार्षदों को एक सूत्र में पिरोकर सभी वार्डों में निष्पक्ष रहते हुए सभी क्षेत्रों का दलगत भावना से ऊपर उठकर सरकारी धन का सदुपयोग करते हुए पार्षदों के माध्यम से विकास करें और साथ ही साथ ऐसे पार्षद को चुने जो किसी पार्टी का होते हुए पार्टी का झंडा ढोने के बजाय अपने क्षेत्र के विकास के साथ ही अपने क्षेत्र की जनता के सहयोग के लिए बिना भेदभाव के सदैव तत्पर रहे। यह याद रखें, आपको प्रत्याशी चुनने का मौका 5 साल के बाद मिलता है। चुनावी दौर में कुकुरमुत्ते की तरह प्रत्याशी उभर कर आते हैं, वो अपने को योग्य साबित करने के लिए आपको हर तरह से आश्वासन देते हैं, मगर यह आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि आप सही प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं या नहीं। वोट देना आपका अधिकार है, आप वोट दें और लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करें। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, जात पात से हटकर अपने मेयर व पार्षद को चुनिए। कुशल नेतृत्व को चुनने का अधिकार सिर्फ आपका है, इसे जाया न जाने दें। कार्यक्रम में मुकेश जायसवाल, डॉक्टर प्रियंका तिवारी, नंदू जी टोपी वाले, श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती, बीटी टक्साली सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल थीं। छात्राओं से यह अपील की है कि जो भी बच्चे मत देने का प्रयोग करने लायक हो गए हों वह 4 मई को अपने अपने घरों से निकले और वो मतदान करे, क्योंकि यह महान पर्व है, ये प्रत्येक 5 साल में आता है। अपने मतों को जाया न होने दो और जो भी योग्य प्रत्याशी हो, जो आपके क्षेत्र का, आपके सड़क का, आपके गलियों का विकास करे, ऐसे मेयर को, ऐसे पार्षद को चुनिए। किसी भी प्रलोभन में आए बिना आप नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव में वोट करें और लोगों को उसके लिए प्रेरित करें।